भीख मांगी ने पोतानु गुजरान चलावता एक माजीना मृत्यु पछी ज्यारे पोलीसे तेनी झूपड़ीनी तलाशी लीधी अने अंदरथी कई एवी वस्तु मळी के ते जोईने बधा आश्चर्यचकित थई गया हता। जी हाँ मित्रों, जेने आपणे सामान्य भिखारी गणीए छीए हकीकतमां ते केटला छुपा रुस्तम होय छे ते आजे तमने खबर पड़शे। खरेखर आ वीडियोमां अमे तमने एवा ज भिखारीओना दर्शन करावीशुं जेनी रहीसी जोईने तमारा पग नीचेथी जमीन सरकी जशे। तो चालो आगळ वधू ते पहेला एक लाइक करीने नवा व्यासो तो चेनल सब्सक्राइब करी लेजो। मित्रों, सौथी पहेला मळो आ माजी ने जेनु मृत्यु एक वर्ष पहेला थयु हतु। पोलीसे जणाव्या मुजब आ घटना पूना शहेरना महेर विस्तारनी छे। सोमवारे कोन्स्टेबल राधाकृष्ण ने प्रधान वीरेन्द्र सिंहना नेतृत्व हेठळ पोलीसे माजीनी झूपड़ी खोलीने त्यां रहेल सामानी तपास करी हती। घणी शोधखोळ कर्या बाद माजीनी पथारी नीचेथी पोलीसने चार थैलीओ मळी आवी हती। आ थैलीओ लईने पोलीस पूना शहेरना पोलीस थाणे पहोंची। त्यां जईने थैलीओ खोलवामां आवी। थैलीओ खुलता ज पोलीसनी आँखो फाटी गई हती, कारण के आ थैलीओमां मोटी संख्यामां नोटो हती। त्यारबाद पैसानी गणतरी शुरू थई। गणतरी करवामां घणो समय लागी गयो अने टोटल गणतरी करता कुल रकम 4,30,000 रुपया मळ्या हता। आ केस विशे पोलीसे वधु माहिती आपता जणाव्युं हतुं के महेर विस्तार नजीक एक झूंपड़ीमां कंचन नामना एक माजी रहेता हता ने गया महीने ज तेनुं मोत थयुं हतुं। सोमवारे मृतिक माजीनो जमाई अने दत्तक पुत्री पहोंचता पोलीसनी देखरेखमां एनी झूंपड़ीने खोलवामां आवी हती। झूंपड़ीमां मळेल रकम अत्यारे तो पोलीसना कब्जामां छे, परंतु पोलीसे जणाव्या मुजब आ पैसा कोई समाजसेवी संस्था के कोई परिवारना सभ्यने आपी देवामां आवशे। बाकी आ पैसानुं शुं थवुं जोईए तमे ज मने कहो, नीचे कॉमेंट जरूर करजो। चालो आगळ वधीए। मित्रों, हवे मळो एवी ज एक माजी भिखारीने जेनुं नाम छे सरस्वती देवी। कहेवाय छे के तेनी पासे कोई वस्तुनी कमी नथी अने ते खूब सुखी जीवन वितावे छे। ते पटनामां अशोक सिनेमानी पाछळ रहे छे। तमने वधु जणावी दईए के तेणीए पोतानी दीकरीना लग्न पण सारा घरमां कराव्या हता अने खास वात ए छे के ते दर वर्षे 37,000 रुपियानुं वीमा प्रीमियम पण चूकवे छे। तेओ कहे छे के मने ट्रेनमां मुसाफरी करवानुं खूब ज पसंद छे ने भीख मांगीने ते खुशीथी પોતાના સ્થાને પહોંચે છે। સરસ્વતી દેવી દેશના સમૃદ્ધ ભિખારીઓમાંથી એક છે। તેમની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ છે। તેઓ ભીખ માંગીને ઘણી બધી સંપત્તિ બનાવી લીધી છે, જેમાંથી 70 લાખના ખર્ચે મુંબઈ શહેરમાં તેમની પાસે 2 ફ્લેટ પણ છે। સરસ્વતી દેવી તેના પરિવાર સભ્યોને ભીખ ન માંગવાની સલાહ આપે છે, તેથી હાલ તેમના પરિવારજનો પટનામાં એક સ્ટેશનરીની દુકાન ચલાવે છે। મિત્રો, શું આપણે બધાને પણ આ ધંધો અપનાવી લેવો જોઈએ? મજાક કરું છું હો, તમારું મંતવ્ય નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો ને। હા, જેમ બને તેમ આ વિડીયો શેર કરો, ફેસબુક વોટ્સઅપ પર ફેલાવી દો। ધન્યવાદ।